ओके स्वाति मैम, यहाँ स्वाति मैम। ओके थैंक यू मैम। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ स्वाति पांडे, इग्नाइट गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम की शिक्षिका मुंगेली से। आज के इस वेबिनार में सम्मिलित सभी शिक्षक साथी, विद्यार्थी एवं पालकगण जो सम्मिलित हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूंगी अपने सभी शिक्षक साथियों को जो टॉय पेडागॉजी पर काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, साथ ही अभी उनके कार्यों को चॉकलेट एप्लीकेशन पर स्थान मिला है। तो द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिस पर टॉय पेडागॉजी का समावेशन किया गया है, तो आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे एवं हमारा जो टॉय पेडागॉजी है उसे सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए समग्र शिक्षा परियोजना कार्यालय यूनिसेफ की तरफ से आयोजित खुद के खिलौने खुद बनाए अनुभव लेकर विज्ञान सीखे, आज की इस कड़ी पर आगे बढ़ते हुए इस कार्यशाला के आयोजक आदरणीय डॉक्टर एन सुधीर सर जी, जिनके मार्गदर्शन से इस वेबिनार का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम सभी शिक्षक साथी इस प्रत्येक कार्यशाला में कुछ नया सीख रहे हैं एवं सीखने के साथ इसका लाभ अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं सीखना सिखाना जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, किंतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया तब और भी बढ़ जाती है जब ये हमारा मुख्य ध्येय हो। तो इस प्रकार से हमारे शिक्षक साथी प्रति सप्ताह इस कार्यशाला में जुड़ रहे हैं एवं इसका लाभ ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं आदरणीय सुधीर सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एवं आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं जिसका टॉपिक है तोड़ फोड़ और जोड़। तो प्रत्येक सप्ताह हमें पुणे से आदरणीय प्रियंका मैम और योगेश सर जी ज्वाइन करते हैं, तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही टेक्निकल सपोर्ट के लिए रागिनी मैम हमें ज्वाइन करती हैं रायपुर से, मैम आपका भी हार्दिक स्वागत है। एवं हमारे स्टेट से हमारे दो शिक्षक साथी आज सम्मिलित हुए हैं, लोकेश्वरी मैम और आदरणीय लोकेश्वरी मैम एवं आदरणीय विवेकानंद सर जी, तो आप दोनों का भी हमारे वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। और अपने सभी शिक्षक साथियों को एक और मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे कि आप देखते हैं इस वेबिनार में हम ऑनलाइन टॉयज एवं फिजिकल टॉयज दोनों टॉयज बनाना सिखाते हैं, और हमारे पास हमें ये दोनों का ज्ञान रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और हमें सभी प्रकार के ज्ञान अपने विद्यार्थियों को देना है। अतः विद्यार्थियों को ज्ञान देने से पहले उसका ज्ञान हमें स्वयं होना चाहिए, इसलिए ऑनलाइन टॉयज बनाना भी सीखें और फिजिकल टॉयज बनाना भी सीखें। तो आज इस वेबिनार के अंत में हमारे स्टेट के जो शिक्षक साथी सम्मिलित हुए हैं वो आपको बनाना सिखाएंगे, तो आशा करती हूँ कि जो जुड़े हुए हैं सभी शिक्षक साथी, विद्यार्थी, पालकगण, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और मैं आदरणीय प्रियंका मैम का स्वागत करती हूँ कि वो आए और हमें तोड़ फोड़ जोड़, तो किस प्रकार कोई चीजें अगर टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, तो फिर हम उसे एक कैसा नया रूप दे सकते हैं, एक नई चीज का आविष्कार कर सकते हैं, इसके बारे में आदरणीय प्रियंका मैम हमें बताएंगी। तो मैम आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि आज हम तोड़ फोड़ जोड़ की एक एक्टिविटी लेने वाले हैं, तो मैं पहले मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीजें सीखने वाले हैं कि जिसका उपयोग करके हम उसके अंदर की मैकेनिज्म क्या होता है, वो काम कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज के हमारे सेशन में हम जैसे कि तोड़ फोड़ जोड़ की एक्टिविटी लेने वाले हैं। इसमें घर में जो चीजें हैं उनको हम खोलेंगे, समझेंगे और फिर से जोड़ेंगे। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो काम कैसे करती है, ये हमें पता तो होता है कि इससे इसका उपयोग इस तरीके से है, पर उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है कि जिसकी वजह से वो चीज इस तरीके से काम करती है, ये सब चीजें मतलब हम इस तरीके से आगे के सेशन में लेने वाले हैं। तो फिर आज हम देखते हैं कि आज हम क्या खोलने वाले हैं। तो एक उससे पहले हम एक पहेली सुलझाते हैं, जो बंद करके मुझे चले जाओ सुकून से कटे तुम्हारी रात, खोल न पाओ मुझको जो पाओ मार हथौड़ा तोड़ दो साथ। इसे हमें सुलझाना है, तो मुझे लगता है कि ये दरवाजे के बारे में होगा कि वो हम बंद करके सो जाते हैं, या कुंडी के बारे में होगा कि दरवाजे को खुला तो नहीं छोड़ सकते तो कुंडी लगाते हैं,
पर हमें जब वो खोलता नहीं है दरवाजा तो हम तोड़ नहीं देते, तो और क्या हो सकता है? हाँ करेक्ट, कि मैं हूँ ताला। तो हम सबको पता है कि हमारे हमें ऐसे कोई भी पर्सन नहीं होगा कि जिन्होंने ताला नहीं देखा है। तो हम सब इस ताले से वाकिफ है कि ये ताला क्या होता है और उसका उपयोग, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। और हम भी देख सकते हैं कि अभी कैसे अलग अलग ताले आते हैं। तो पहले जानते तो ये ताला तो है, ये हमें जान गए, पर इस ताले की जरूरत क्यों पड़ी होगी, इसके बारे में कभी सोचा है? तो पहले जैसे कि हम जंगल में रहते हैं, पहले जंगल में रहते थे, तब हम कभी पेड़ों पे रहते थे तो कभी गुफाओं में। तो कभी कभी ऐसा ऐसी जरूरत पड़ी कि कुछ जानवर हमें काट ना ले, हमें खाना ना ले, इसके वजह से हम घर ढूंढने लगे। तो वैसे घर हमें कहाँ पे, तो हमें तब बनाना नहीं आता था घर, जैसे हम अब रहते हैं वैसे नहीं बनाना आता था। तो हम जैसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे गुफा पहले से ही बनी हुई है तो वहाँ पे रहते थे, पर वहाँ रहने के भी एक प्रॉब्लम था कि उसका दरवाजा हम बंद कैसे करेंगे, कि कोई भी जानवर तो पता चल जाएगा उसको कि यहाँ पे आदमी है तो वो आ जाएगा और हमें खा लेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया कि एक बड़े से पत्थर से हम हर बार वो गुफे का दरवाजा बंद कर देते थे, या हमारा खाना हो तो उसको सेफ रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए भी हम ऐसा जो गुफे का दरवाजा है वो बंद कर देते थे। उसके बाद हमें सब चला कि हम पत्तों से या जो हमारे आजू बाजू में चारा जो पत्ते होते हैं या लकड़ी होती है उससे घर बनाने लगे। फिर तभी भी हमारे घर को, मतलब जो हम उसके ऊपर उसके अंदर रहते थे, उसको दरवाजा नहीं था। तो फिर हमें ऐसा लगा कि अरे हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही जैसे बारिश आई तो पानी अंदर चला आएगा, तो इसकी वजह से ऐसी कुछ चीजें होती कि दरवाजा खुला रह गया तो जानवर अंदर आ जाएगा। तो फिर हमने दरवाजे का सोचा कि हमें कुछ बंद ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो खुला भी जा सके और बंद भी हो सके। तो ऐसे हम चीजें बनाने लगे। फिर अब दरवाजा तो बन गया, फिर ऐसा है कि कभी कभी चोरी भी होती थी, तो चोरी ना हो इसलिए हमें ताले की जरूरत पड़ी। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो कि पहले हमें, हम घर पे नहीं रहते थे, हम जंगलों में रहते थे, उसके बाद हम घर बनाना सीखे। फिर ऐसे होते हैं कि हमारी जरूरत के अनुसार हम कुछ आविष्कार आगे जाके करते हैं। तो वैसे ही ये ताले का है। तो फिर अब ये तो है कि हम सोचते हैं कि अब ठीक है, दरवाजा बन गया, कुंडी बन गई और ताला भी आ गया, पर ये ताले का आविष्कार कैसे हुआ होगा? तो आपको बता दूं कि बहुत साल पहले, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नाम नहीं है कि जिन्होंने ताले का आविष्कार किया, जैसे कि हम एडिसन का नाम लेते हैं कि जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो ऐसे कुछ नाम नहीं है। क्योंकि हम पहले से ही, जब हमारे राजा महाराजा थे उससे पहले से ही हम ऐसे ताले हम यूज करते थे। जैसे कि अब कि प्राचीन और असीरिया की राजधानी निनवे के खंडरों में खोरस का बाद बोल के एक गाँव है या कुछ जगह है, वहां पर पहली बार ताला और चाबी की खोज गई थी। मतलब जैसे कि हम कुछ ऐसे चीजें होते कि पौराणिक चीजें होती है या इतिहास में जो प्राचीन काल में चीजें होती है वो हम खुदाई करके निकालते हैं, तो उन चीज तब ऐसे ही खुदाई करते समय हमें ये ताले मिले। फिर ऐसे ही बोला जाता है कि 6000 साल पहले इजिप्ट में ऐसे ताले पहले थे, तो उसका जो विकास था वो उसके बाद शुरू हुआ। तो ऐसे ही अलग अलग तालों के आविष्कार होते गए। तो जैसे कि पहले लकड़ी का ताला था, फिर उसके बाद थोड़ा आविष्कार होते होते अलग अलग प्रकार के ताले बनाए गए। तो ऐसे बहुत सारे तालों में आविष्कार लाने वाले लोग हैं, जैसे कि डबल एक्टिंग पिन टम्बलर लॉक होता है, तो वो अब्राहम जो इंग्लैंड के थे वो 1805 में उन्होंने उसका आविष्कार किया। और याले ल्यूनस एलेब 1848 तक
जो हम अब तक जो लॉक यूज कर रहे हैं उसका आविष्कार तब हुआ था, वो 1848 को। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी पुरानी चीजें हैं ताले के बारे में। तो आपको बता दूं कि एवरेस्ट और ये जो मैंने पहले भी बोला था, ये जो 1848 में जिन्होंने लॉक का आविष्कार किया था, इनका ये और एवरेस्ट इन्होंने मिलकर एक स्मार्ट लॉक बनाया है कि जो हम हमारे आजू बाजू में कुछ लोग यूज करते हैं। इसमें कि हमारा मोबाइल से, मोबाइल के वाईफाई से या ब्लूटूथ से हमारा लॉक खोल सकते हैं। तो ऐसे ये ताले का आविष्कार होता गया। जैसे कि पहले मैंने कहा कि पहले हमारे यहाँ लकड़ी के ताले थे, फिर उसमें मतलब कि ये ताला नहीं बोल सकते, दरवाजा बंद करने के लिए कुछ मैकेनिज्म था कि आप देख सकते हो कि दरवाजा बंद करने के लिए कुटी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो बंद करने के लिए ऐसी बनाई गई थी लकड़ी की। वो दो लकड़ी के दो दरवाजों से खाची थी, मतलब दो लकड़ी फिक्स किए थे, उसके अंदर से हम लकड़ी डाल देते थे कि दरवाजा बंद रहे। फिर आपने देखा होगा कि गांव में ऐसे कुछ पुराने दरवाजे होते हैं और वहां पे एक चैन होती है ऊपर की तरफ, और फिर हम वो दरवाजे पे ऊपर लगाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम दरवाजे बंद करने के लिए यूज करें। आप देख सकते हो कि हम आपके आजू बाजू में भी ऐसे कुछ घरों में ऐसे जो लॉक, मतलब जो तालों दरवाजे को बंद करने के लिए कुछ अलग तरीके के अभी भी यूज किए होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारत देश में क्या था, कि तब के समय में हमारे भारत देश में कौन से चीजें हम सुरक्षा के लिए यूज करते थे। तो पहले भारत देश में राजा और महाराजाओं के पास बहुत सारा सोना वगैरह था, तो वो उनको सेफ जगह रखने के लिए वो क्या करते थे कि वो पूरा सोना एक पेटी में बंद करके रखते थे, और फिर उसको जो हमारा वैक्स होता है उससे सील कर देते थे, और फिर जो उनका महल था उसके अंदर ही वो एक तालाब बना देते थे और उसके अंदर डाल देते थे। पर अब उनकी उस सोने का हम सुरक्षा कैसे करेंगे, तो उसके लिए वो उस तालाब में उस जो छोटा सा पॉन्ड है उसके अंदर मगरमच्छ छोड़ देते थे। तो जब कोई भी दूसरा महाराजा उनके देश पर आक्रमण करे तो उनका जो सोना है वो ऐसे सीक्रेट जगह पे रखते थे। तब ये दो ही चांस थे कि उनको कुछ लुटेरों को लूट के जाना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अरे वो मगरमच्छ में क्यों जाएंगे उधर। तो इस तरीके से सुरक्षा थी। तो उससे पहले भी ऐसे था कि कभी कभी जो सोना था उसके लिए वो अलग सैनिक रखते थे क्योंकि उसकी सुरक्षा हो। तो इसी तरीके से हमारे देश में या आजू बाजू के सभी देश में और पूरे जग में ये ताले का आविष्कार होता गया। फिर इजिप्ट देश में भी क्या था कि आपको बता दूं कि इजिप्ट देश में 2700 साल पहले लकड़ी के तीन टम्बलर लॉक पाए गए थे। उसमें क्या था कि जो उनकी की थी वो हमारी वो जो हमारी कंघी होती है उसके जैसे उसके दांत थे, मतलब उसके जैसे ब्रश, जैसे दांत आते हैं, जैसा हमारा ब्रश होता है उसके उसी तरीके से आप देख सकते हो दूसरी तस्वीर में कि इस तरीके से उसके दांत थे। और जब वो की से हम जो हमारा लॉक है उसके ऊपर पुश करेंगे तो जो येलो कलर की पट्टी है तो वो उसको हमें एक साइड से टर्न कर सकते हैं और इसी तरीके से ये लॉक खुलता है। तो आप पहले चित्र में जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने जो हमारा वो लॉक है, मतलब इजिप्ट देश में जो लॉक बना है उसमें कितने मॉडिफाई होते गए कि पहले वो सिर्फ एक लकड़ी थी कि वो सिर्फ अंदर डालते थे, फिर उन्होंने ब्रश जैसा बनाया और फिर ये फाइनल उन्होंने दरवाजे पे लगाया। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें वो बनाते गए। फिर आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अलग अलग शहरों में, मतलब पुराने जमाने में अलग अलग शहरों का अलग अलग लॉक था। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे ऐसे बोल सकते हैं कि एक विशेषता होती है हर एक शहर की, तो वैसे ही वो समझने के लिए हर एक शहर का, मतलब जब एक राजा वहां पे हो तो उसका राज्य में जो राजमुद्रा होती है उसी तरीके से एक
किक और लॉक का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न था कि उससे उस लॉक से समझ में आता था कि ये इस देश का है। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न बनते थे और उसी तरीके से लॉक और की बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक की का क्रॉस बनाया गया है, तो ये इस तरीके से की थी और इसी तरीके से अंदर के लॉक के मैकेनिज्म थे। और फिर ये तो है कि ये बहुत पुराने हैं कि जो वो खुदाई करते थे तब ये मिले गए हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के लॉक तब से बनाए गए हैं। फिर रोमन देश में क्या हुआ था कि अब तक तो हम सिर्फ लकड़ी के यूज करते थे, फिर रोमन देश ने एक अलग तरीके का आविष्कार किया कि उन्होंने लकड़ी के साथ साथ भी मेटल का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो कांस्य होता है, जो तांबा या कांस्य ब्रांज होता है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अलग अलग तरीके के लॉक बनाने शुरू किए। उसमें उन्होंने लोहे का भी इस्तेमाल किया। तो ये अलग अलग तकनीक उन्होंने लॉक को विकसित करने में लगा दी। तो इस तरीके से वो अलग अलग टाइप से, या हम बोल सकते हैं अलग अलग मेथड से, वो सब ऐसे लॉक बनाते थे। और हर एक देश की अलग अलग विशेषता भी थी। फिर ये वॉर्डेड का ताला है। तो इसमें क्या है कि ये 25,000 मतलब ये इतना साल तक उन्होंने क्या किया कि जो हमारे उद्योग है, मतलब जो इंडस्ट्री है, तब तक ये लॉक ऐसे ही बनते हैं। इस लॉक की विशेषता ये थी कि ये बनाने में बहुत कठिन था, और इसे बनाने में और इसे खोलने में भी, मतलब जब कोई विदाउट चाबी के सिवा, मतलब चाबी के बिना हम ये ताला नहीं खोल सकते थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे आविष्कार होते गए। तो इसके लिए हमें चाबी लगती ही थी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ताले पुराने जमाने में बनाए गए थे। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 1778 में रॉबर्ट बैरन ऐसे बोल के ये डबल टेम्बर लॉक उन्होंने बनाया है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना अलग यहाँ पे मैकेनिज्म है, कि कितने कॉम्प्लिकेटेड है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें अंदर डाल दी है। और जो जो बड़ी वाली दिख रही है आपको, ये पूरा ये लॉक का है, ये लॉक है हमारा। और उसके बाद ये जो नीचे वाली फ्रेम दिख रही है, एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, वो उसका, वो हम उसके ऊपर रखते हैं, मतलब वो वहां पे फिक्स होगा और ये हमारी की होगी। तो ऐसे पूरे चीजें यहाँ इसमें इस्तेमाल की जाती है। फिर 1784 में भी पेटेंट के लिए जोसेफ ब्रामो के सुरक्षा लॉक में उन्होंने एक बेलनाकार कुंजी लगी थी, मतलब इसमें जो हमारी कुंजी थी कि वो बेलनाकार थी। तो इसी तरीके से मतलब हर लॉक में अलग अलग प्रकार का आविष्कार होता गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने पैटर्न्स बदलते गए। फिर ये कॉम्बिनेशन लॉक है, तो ये भी बहुत पुराना लॉक है कि जो हम अब, जो हमारी बैग है, कि अब नंबरिंग कॉम्बिनेशन की एक नंबरिंग बैग होती है जो हम सबके पास होती है, वो भी एक प्रकार का लॉक है। तो वो भी बहुत पुराने जमाने से हम ऐसे लॉक यूज करते थे। उसके बाद मॉडिफाई करके हमारे बैग को सेफ रखने के लिए भी वो कॉम्बिनेशन लॉक उसमें ऐड किया गया। पर ये तो हो गया कि हमें पूरे इतिहास, जो कैसा आविष्कार, कैसे आविष्कार होता आया है लॉक का, तो ये सब हमने देख लिया। तो इसी तरीके से आपको कुछ असाइनमेंट होंगे, तो उसमें भी आप ये ढूंढ सकते हैं कि आपके गांव में ऐसे कुछ लॉक है क्या, आपके घर में ऐसे कुछ लॉक है क्या जो बहुत पुराने साल से आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वो हमें बता सकते हो। फिर ये रैक लॉक बोल के एक लॉक है, कि आप देख सकते हो कि ये पहले पिक्चर में उसकी चाबी बहुत बड़ी है। तो जैसे जैसे कि पहले चाबी बहुत बड़ी होती थी कि उसको खोलने के लिए वगैरह, और दूसरे चित्र में उसका बाहर का मैकेनिज्म है कि जब चाबी अंदर डाल देते हैं तो वो आगे वाली जो ये कॉर्नर है, तो जब हम चाबी घुमाते हैं तो वो अंदर चला जाता है और हमारा गेट खुल जाता है। तो इसी तरीके से ये रैक लॉक काम करता है। फिर अभी तो ये हमें हमने देखा कि ताले किन किन प्रकार के हैं,
तो हम देखते हैं कि ये ताले जो है वो किस तत्व पर काम करते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसके पीछे और कौन कौन से चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। स्वाति मैम मेरा वीडियो दिख रहा है ना? दिख रहा है जी। ओके। तो ये एक ताला है कि जो हम हमारे डोर पे आसपास आप हम देखते हैं कि अब हमें सिर्फ ताले की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ चाबी की जरूरत होती है। ताला ऑलरेडी हमारे दरवाजे पे लगा होता है और उसके लिए उसकी चाबी ही लगती है। मतलब कोई भी चाबी हम उसके उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते और हर एक चाबी अलग तरीके की होती है क्योंकि किसी भी चाबी से हम लॉक नहीं खोल सकते। तो इसको क्वीन टुमरन लॉक बोलते हैं। ये बहुत साल से हम यूज कर रहे हैं। जो बाहर का कोटिंग है उसे हम केस कहते हैं और जो अंदर का दिख रहा है आपको वो प्लग है जिसके अंदर हम चाबी डालते हैं और ये जो खाच है उसको की वे बोलते हैं कि जिसके अंदर से हमारी की जाए। तो हम जब बीच में कट करेंगे वो लॉक तो अब हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ऊपर की तरफ स्प्रिंग ड्राइव पिन है, फिर नीचे के की पिन है, स्प्रिंग ड्राइव पिन और की पिन, ऐसे तीन तरीके के वहां पे पार्ट्स होते हैं। और ये जो है जो ड्राइव पिन है तो वो एक लाइन में आने के बाद हमारा लॉक खुल जाता है। तो हम देखते हैं कि जब एक प्रकार की चाबी जो चाबी है उसकी वो लॉक कैसे खुलता है। आप देख सकते हो कि मैंने गलत चाबी डाल दी तो वो लॉक नहीं खुलेगा। अब मैंने सही चाबी डाली तो आप देख सकते हो कि ये एक लाइन में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक लाइन में आ गए। जो हमारी की पिन थी वो एक लाइन के आने के बाद हमारी जो की है वो ट्विस्ट हो गई और हमारा लॉक खुल गया। पिछले जैसे कि ये वीडियो में पीछे हम देखते हैं तो वहां पे एक गलत की हमने डाल दी थी। जब हम गलत की डाल देते हैं तो तब क्या होता है हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने की तो डाल दी तो जो पर जो हमारी लाइन है जो कि येलो के ऊपर आनी चाहिए, जो की लाइन की पिन की लाइन एक समान आनी चाहिए तो वो की पिन जिगजैग होती है, वो एक समान नहीं है। इसकी वजह से हमारा लॉक नहीं खुलता क्योंकि हमारी की गलत है। पर जब हम सही की लगाते हैं तब क्या होता है हम देखते हैं कि आप देख सकते हो कि सभी की पिन एक ही लाइन में आ गए जिसके वजह से हमारा लॉक खुल जाता है। तो ये बड़े ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म है जो हम इसमें यूज करते हैं। फिर आपको ये बता दो कि हमारे जैसे होटल में होता है कि मास्टर की होती है कि पूरे होटल में एक की होती ऐसी होती है कि जिससे हर एक दरवाजा खुलता है। तो ऐसा क्यों होता है तो वो भी देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हर एक दरवाजे की एक अलग अलग की है पर मास्टर की सब दरवाजे की एक ही होगी। तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है तो आप देख सकते हो कि इसमें और एक पार्ट ऐड हो जाता है जो कि हमारे लॉक में ही होता है। ये मास्टर पिन होती है जो मास्टर की से खुलने के लिए लगाई जाती है। फिर ऐसे ज्यादा सिक्योरिटी के लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा मास्टर पिन वहां पे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये अलग तरीके की है पर हमारा दरवाजा खुल गया क्योंकि ये मास्टर की है और उसमें मास्टर पिन लगाया गया है। तो ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी एडिशनल लगाए जाते हैं। तो ये दोनों चाबियों से खुलता है, मतलब मास्टर की और जो हमारी ओरिजिनल की है उससे हमारा दरवाजा खुल जाता है। और आप देख सकते हो कि वहां पे सिक्योरिटी के लिए उन्होंने हर एक लॉक में जब बनाते हैं तब ऐसे मास्टर की और ऐड कर देते हैं जिसके वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है और कोई भी
मतलब जब तक हम वो की कोई चुरा के उसका डुप्लीकेट नहीं बना देता तब तक उसको चांसेस बहुत कम है कि हम खुलेंगे कैसे। तो ऐसे ये है, ये पूरा हमारा ये जो है हमारा लॉक तो ऐसा है। तो इसमें भी कैसा होता है कि जब ये तो हो गया की का, पर हैंडल का भी एक मैकेनिज्म होता है कि जब हम हैंडल खींच लेते हैं, मतलब आप देख सकते हो कि हमारे घर में भी है, कितने मॉडर्न घर हो गए हैं, तो सिर्फ हम बाहर जाते समय दरवाजा खुला और जोर से हमने खींचा तो ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है। तो वो कैसे लगता है वो देखते हैं। तो उसमें भी एक स्प्रिंग होती है जो हमारी, और फिर जो मूव होती है जब हम हमारा जो हैंडल पकड़ते हैं, जो पकड़ने वाला हैंडल है उसको पकड़ते हैं और मूव करते हैं, तब हमारा जो जो हमारी की है या हमारा डोर है वो ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा लॉक है वो काम करता है। पर ये लॉक हम सोचते हैं कि ये लॉक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि हर एक चीज के बाद एक प्रिंसिपल होता है, हर एक चीज के लिए जो काम करती है उसके लिए भी एक प्रिंसिपल होता है। तो ये सिंपल लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि जब हम की डालते हैं और उसको मूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मूव हो जाती है। तो हमें इसे कुछ उदाहरण चाहिए कि लीवर प्रिंसिपल पे काम कर रहे। जो हमारा सीसो होता है तो ये उसका उदाहरण है। जैसे कि जब तक हम सेम वेट के हैं, मतलब हम और हमारे फ्रेंड सेम वेट के हैं और सीसो खेल रहे तो वो ऊपर नीचे होगा। पर ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारी की जो है वो करेक्ट है इस सिचुएशन में। पर जैसे कि मैं बहुत बहुत बड़ी हूँ और मेरे छोटी बहन वो सामने बैठी है, तो ऐसा हो जाएगा कि वो ऊपर चली जाएंगी और नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है और उसका बहुत कम है, इसकी वजह से वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस समय पे हमने गलत की लगा दी। तो ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बोला है, पर एक्चुअली ऐसा की में अलग तरीके का होता है। ऐसा है जो हम हमारे पास स्टेपलर होता है जो आपने घर पे देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्टेपल करते हैं, मतलब एक प्रकार का फोर्स अप्लाई करते हैं और वो पिन अंदर चली जाती है, फिर नीचे से हम वो स्टेपलर की पिन वो जो पेज होते हैं उसके अंदर चली जाती है और ऑटोमेटिक ट्विस्ट हो जाती है, मतलब पीछे से वो बंद हो जाती है। तो हमारा जो लॉक है, मतलब जी हमारी की है, जो अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको सिर्फ प्रेस करने का काम करती है, जिसके वजह से हमारे जो लॉक है वो ओपन हो सके। तो इसी तरीके से ये लीवर प्रिंसिपल काम करता है। जैसे कि हमारा नेल कटर होता है वो भी वैसे ही काम करता है, एक प्रकार का हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो हमारे नाखून है वो कट हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने की अंदर डाली और स्प्रिंग को उससे उठाने का चांस मिल गया, तो उसके वजह से जो हमारे जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो स्प्रिंग है वो एक लाइन में आ जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। हम स्टेपलर का भी देख सकते हैं कि हम पिन मारते समय एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर टेढ़ा नहीं होता जब तक हम स्टेपलर टेढ़ा नहीं पकड़ते, वो एक ही लाइन में होता है। तो उसी तरीके से ये काम होता है। अब जैसे कि हमने देखा कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने ये देखा कि ये हमारा घर का लॉक है, दरवाजे का लॉक है, जो अंदर ही दरवाजे के अंदर ही हमने इनबिल्ट किया हुआ है, जो कि हमारे नॉर्मल लॉक जैसा नहीं है, जो हम घर में कुंडी को लगाते हैं वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्प्रिंग लगाई गई है, फिर ये ड्राइवर पिन है जो छोटी वहां पे एक छोटा अलग कलर स्प्रिंग के नीचे एग्जैक्ट है वो, और उसके नीचे की पिन है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे पांच दिखाए गए हैं, मतलब पांच स्प्रिंग है, तो ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, कि हम किस तरीके का लॉक खरीदते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो जब हम की इसमें डालते हैं, मतलब जो हमारा
जो लॉक है उसके अंदर हम की डालते हैं, तो आप देख सकते हो कि वहां से सब जो हमारी की पिन है वो एक लाइन में आ गई और उस खाचे से हमारा जो की है वो टर्न हो गया और हमारा लॉक खुल गया। ये हो गए हमने सही की यूज की। तो पर हम जब गलत की यूज करते हैं, गलत चाबी इस्तेमाल करते हैं, तो तब क्या होता है? तब आप देख सकते हो कि ये मैंने तो मतलब वो की अंदर तो चली जाती है पर हमारा लॉक नहीं खुलता। तो वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरे की पिन है एक लाइन में थे, इसकी वजह से हमारा लॉक खुला। पर यहाँ पे की पिन के जो एंड है वो पूरे एक लाइन में नहीं है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो कभी सिर्फ एक ही जो मिडल वाला है 3 नंबर का वो ही सिर्फ लाइन पे है और बाकी सब ऊपर नीचे है, इसकी वजह से हमारा लॉक नहीं खुलता। तो ये हमारा जो लॉक है इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, कि ये दिखता कैसा है, ये अंदर में कौन कौन से पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये ऐसा जो हमारा अलमारी का लॉक होता है उसका एक पिक्चर है। तो ये देखो ये जो कॉम्बिनेशन है वहां पे दिखाया गया है, मतलब जब पिछले वाले लॉक में देखा कि उन्होंने स्प्रिंग और जो ड्राइवर पिन है वैसे कुछ उन्होंने पार्ट्स बताए थे, तो इसमें क्या होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ये जो है ये कॉम्बिनेशन है कि जो हमारे की को सेम प्रिंसिपल है कि जो वो सिर्फ एक लाइन में लाने का काम करता है। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं तो मैं आपको मेरा वीडियो ऑन करके वो लॉक भी दिखा देती हूँ कि वो काम कैसे करता है। तो ये जो है ये वो अलमारी का लॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पटिया है ये यहाँ पे, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है कि की का, कि जो ये की का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाएगा, मतलब ये जो की है वो इधर से अंदर जाएंगी और ये घुमाने के बाद जो ये पूरे स्ट्रक्चर है वो एक लाइन में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बहुत सारे दिखाती हूँ कि एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो हमारी की के की होती है वो फिक्स हो जाती है और वो मूव कर सकती है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि इसके वजह से हमारा जो लॉक है तो वो मूव होता है। जब मैं देखती हूँ कि ये जो है हमारा लॉक ये मैंने ऊपर किया तो आप देख सकते हो कि ये अंदर चला गया, ये जो मतलब इसके अंदर जो दूसरा दरवाजा है उसका कोना फंस जाएगा और हमारा दरवाजा लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये मैंने की सब ऊपर जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो ये सब ऊपर लिया और ये सिर्फ एक लाइन में आ गया, तब ये जो हमारी लॉक के कोना है वो बाहर आ गया। तो इसी तरीके से जब मैं इसको नीचे कर देती हूँ, मतलब ऐसे नीचे कर देती हूँ, तब ये अंदर चला जाता है। ये आप देख सकते हो कि ये पूरा अंदर चला गया है। तो इसी तरीके से ये काम करता है, जब मैं इसको बाहर खोलती हूँ और इसको अंदर से, इसे आप इधर से भी देख सकते हो कि मैंने ये सब एक लाइन में ला लिया और मैं फिर से, तो ये बाहर तरफ खुल गया। और जब मैं इसी लाइन को ये करती हूँ तो ये फिर से अंदर की तरफ चला जाता है। तो जहां वहां पे हमने देखा कि स्प्रिंग यूज की हुई है, तो यहाँ पे स्प्रिंग नहीं पर इसकी वजह से ये जो तार है इसकी वजह से उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, जिसके मतलब एक प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस होता है और जो यहाँ का जो खाच है वो बाहर निकलने का और अंदर डालने का वो काम करता है और इसी तरीके से हमारे दरवाजे को लॉक लग जाता है। तो ये तो हो गया कि ये है अलमारी का लॉक, पर वैसे ही अलग अलग लॉक हम हमारे घर में भी यूज करते हैं। तो ऐसे देखा कि और इसकी
जो चाबी होती है ये वो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इसकी चाबी किस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हो कि ये चाबी इस तरीके से होती है इस लॉक की। तो ये चाबी भी चाबी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो जाता है कि जब हमारा लॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तब। तो ये था हमारा अलमारी का लॉक। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे घर में हम ताला यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या वो कैसे काम करता है। तो आपको बता दूं कि वो भी सेम ही काम करता है पर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हमने देखा कि वहां पे अलग अलग चीजें होती है तो वैसे ही चीजें इसमें भी होती हैं। तो मैं आपको एक बार उसका भी एक मेरा वीडियो ऑन करके दिखा देती हूँ। ये मैंने जो हमारे दरवाजे का लॉक है वो तोड़ दिया था तो उसके अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये यहाँ के खांचे, मैंने आपको बोला कि ये कॉम्बिनेशन है कि जो हमारी चाबी को और ये हर एक लॉक के अलग अलग हो, ये चाबी को आइडेंटिफाई करने की, मतलब ये इसी लॉक की चाबी को कैसे हम पहचानेंगे। तो ये लॉक कैसे पहचान, हम तो पहचान ले कि ये हमारी घर की चाबी है, हम किचन लगाते वगैरह, पर ये लॉक को कैसे समझ में आएगा कि लॉक की चाबी कौन सी है। तो उसके लिए ऐसे कॉम्बिनेशन अंदर लगाए जाते हैं और ये यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं जिसके वजह से यहाँ पे अलग प्रकार का एक टेंशन प्रोड्यूस होता है। इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये फिक्स कैसे करते हैं यहाँ पे। और ये जो है जो हमारा लॉक है, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्प्रिंग है, ये ऊपर इधर की तरफ एक स्प्रिंग है। जब हम ये लॉक को नीचे दबाएंगे तो ये स्प्रिंग नीचे चली जाती है और ये हमारा लॉक इधर रुक जाता है। पर उसको रुकने के लिए भी हमें कुछ तो चाहिए, तो ये एक प्रकार का एक पीस होता है तो वो यहाँ पे अटक जाता है। जो यहाँ पे हम देख सकते कि हमारे लॉक में एक प्रकार की खांच होती है, ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे खांच है, ये पीछे जहाँ पे हमारा लॉक अटक जाता है। तो ये जो है ये जो पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है जब हमारा लॉक ओपन होता है। पर जब हम इस लॉक को नीचे प्रेस करते हैं, मतलब ये से नीचे प्रेस किया, तो ये जो हमारा ये पार्ट है वो इसके अंदर फिक्स हो जाता है जिसके वजह से जो हमारा लॉक है वो ऊपर नहीं आ पाता। मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया तो ये ऐसे ही फिक्स हो जाता है क्योंकि वहां पे कुछ तो उसके बीच अटक गया होता है, इसके वजह से हमारा लॉक नहीं खुलता। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो इसी तरीके से काम करता है। और ये जो हमारे घर में लॉक होते हैं तो ये सब में सेम प्रिंसिपल यूज किया है कि जब हमने देखा कि वो दरवाजे का लॉक था उसमें स्प्रिंग यूज की गई थी, तो इसमें भी स्प्रिंग ही होती है पर एक सिर्फ अलग तरीके की तार होती है कि जिसकी वजह से, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से अलग प्रकार का एक टेंशन, मतलब एक प्रकार का फोर्स उसमें लग जाता है। और मुझे एक आपसे पूछना है कि हर एक चाबी का, मतलब एक चाबी अलग क्यों दिखती है, ये भी आपको एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो आप ये भी समझ लो कि हर एक चाबी का ऐसी क्या खासियत है कि वो अलग अलग दिखती है। और ये इसमें जो खांचे दिख रहे हैं, मतलब जैसे कि मैंने भी चाबी दिखाई आपको और ये चित्र में भी दिखाई गई है, तो वैसे ये खांचे क्यों है, इस चाबी में ऐसे खांचे क्यों बनाए गए हैं, इसका तो कुछ तो रीजन होगा, तो ये भी आपको ढूंढना है। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हमको आपको बता देती हूँ कि आपको ये लॉक दिख रहा है मैं, तो इसमें आपको दिखाई जाएगा कि यहाँ पे 9 लीवर ऐसा बोल के है, मतलब इसमें कुछ तो स्पेसिफिक लीवर दिए थे, तो सत्यम कंपनी की है, सत्यम डिस्कवर कंपनी का हमारा लॉक है, 9 लीवर और 65 mm ऐसा कुछ तो लिखा है। तो 65 mm तो हम समझ सकते हैं, तो इसके कुछ डायमेंशन हो गए, पर ये 9 लीवर क्या होता है ये भी आपको ढूंढना है कि ये 9 लीवर क्या होता है। और आप देख सकते हो कि हर एक लॉक के ऊपर के साइड, ऊपर के हिस्से में जो भी नाम लिखा होता है तो अलग अलग होता है। यहाँ पे 9 लिखा है तो कुछ
लॉक में 6 लिखा होता है, कुछ लॉक में 7 लिखा होता है, कुछ लॉक में 3 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी आपको ढूंढना है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि तो ये तो हो गए कि ताले काम कैसे करते हैं, यह और अलग अलग प्रकार के ताले देखे हैं हमने, पर तालों के प्रकार कौन कौन से हैं तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि जो हम की हम हमारी जो की है वो घूमती है, तब जो लॉक का मतलब जो खाचा है जो अंदर आना चाहिए मतलब बाहर और अंदर जाता है तो वो मूव होता है। तो आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि वो आगे पीछे ऐसा मूव करता है। तो तालों के प्रकार अलग अलग है, जैसे कि वार्ड लॉक है, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, कैम लॉक होता है, डेड बोल्ट लॉक होता है, बैरल बोल्ट लॉक होता है और इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है। तो ये तालों के अलग अलग प्रकार है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये पिन वार्ड लॉक होता है, तो आप ढूंढ सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन से प्रकार के लॉक है, ये ऐसे दिखते हैं, इसका भी सेम प्रिंसिपल है। फिर कैम लॉक है जो कि छोटे छोटे जैसे अलमारी है, अलमारी में ऐसे लॉक यूज किए जाते हैं, कपड़ में या सिक्योरिटी के लिए कुछ लॉक्स होते हैं, बैंकिंग में वगैरह ऐसे लॉक यूज किए जाते हैं। ये डेड बोल्ट लॉक है, तो ये हमने अभी देखा कि वो हैंडल से लॉक हो जाता है, तो ये ऐसे लॉक होते हैं। फिर जो अपनी चटकनी होती है कि वो ही एक प्रकार की लॉक मतलब एक प्रकार का लॉक है, उसको बैरल बोल्ट लॉक बोलते हैं। तो आपको आपके घर में कौन कौन से प्रकार के लॉक है उसकी भी लिस्ट बनानी है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक होते हैं जैसे कि कार्ड लॉक होता है, फिंगरप्रिंट लॉक होता है और स्मार्ट लॉक होता है। जैसे कि हम पिछले इसमें भी देखे कि स्मार्ट लॉक की मोबाइल से कनेक्ट होके हम हमारा घर का लॉक ओपन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक में हमारा थंब का फिंगरप्रिंट वहां पे होता है तभी हमारा लॉक ओपन होगा। और कार्ड लॉक में भी सेम कार्ड होगा तभी हमारा लॉक खुलेगा। तो ऐसे अलग अलग इनोवेशन आविष्कार इस लॉक में होते गए। तो हम ऐसे पिन टंबर लॉक जैसे कि हमने अभी पढ़ा, और नंबर लॉक भी होता है जो हम सूटकेस में यूज करते हैं, और कुछ बड़े बड़े बैंकों में भी ऐसे नंबर लॉक यूज किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ठीक है, अब आपको भी ऐसे खोल के देखना होगा कि मुझे खोल के देखना है कि अंदर क्या है और कैसे मैकेनिज्म है और कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने ये अलमारी ली, जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हो, दूसरे पिक्चर में मैंने उसको की लगाई और मैंने खोल दी। तो ये मेरा तीसरे पिक्चर में दिखता है कि खोलने के बाद वो दरवाजा कैसा दिखता है। तो ये खोलने के बाद मेरा दरवाजा ऐसा दिखेगा। उसके बाद जो बॉक्स है उसके अंदर वो हमारा लॉक है कि वो अलमारी का लॉक। तो मुझे देखना था और कि अंदर ये काम कैसे करता है, तो मैंने वो खोल के देखा। तो उसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर की भी मदद ले सकते हैं, आप छोटे हो तो इसके लिए बड़ों का भी बड़ों की मदद ले सकते हो, और आप वो अलमारी का लॉक खोल के देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और आप फिर से वो लॉक लगा सकते हो। तो फिर ये बॉक्स जो है मतलब मैं बाहर का बॉक्स निकाल दिया तो अंदर मुझे ये स्ट्रक्चर मिला जो मैंने आपको दिखाया कि वो छोटी सी जो पेटी मैंने दिखाई थी वो वही यही लॉक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि फिर मैंने क्या किया कि ये लॉक तो निकाल दिया, पर जो मेरा बाहर का हैंडल है तो वो कैसे मूव होता है। जब वो उसको मैं नीचे लेती हूँ तो आप पहले पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ की जो जो हम बोल सकते पतरा है कि वो जो मैकेनिज्म है वो पीछे की तरफ खुल जाता है और यहाँ पे अटक जाता है, तब मेरा जो कपाट है मतलब जो अलमारी है वो बंद हो जाती है। और जब मैं उसको नीचे उस हैंडल को नीचे करती हूँ तब जो मेरा जो मैकेनिज्म है वो बाहर की तरफ आ जाता है और मेरा जो अलमारी है वो खुल जाता है। तो इसी तरीके से ये सिंपल मैकेनिज्म है, पीछे और आगे, और फिर पीछे जाते समय सिर्फ वो थोड़ा सा जो पार्ट है वो वहां पे अटक जाता है और इस तरीके से लॉक लग जाता है। तो मैंने ये पार्ट निकाला, मैंने आपको दिखाया है ये पार्ट। उसको निकालने के बाद मैंने वो पूरा जो अलमारी का था लॉक वो निकाल लिया और मुझे ये दिखा कि जब मैंने की से उसको मूव किया, मतलब अभी मैं आपको हाथ से करके दिखा रही थी, जब वो की के खाचों में जो कॉम्बिनेशन है मतलब जो मैंने आपको दिखाए गए तो वहां पे अटक जाता है, तब वो की के खाचों में तब हमारा जो लॉक है वो खुल जाता है। ये आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हो कि वो खुल गया है।
तो इसी तरीके से हमारा लॉक काम करता है। और इसको बंद, अब हमें और इसके ऊपर मतलब ये तो पूरा क्लोज था, तो यहाँ पे हम जो ये प्लेट है वो यूज की गई है, जिसके वजह से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लॉक है, वो कॉम्पैक्ट है, वो क्लोज है। और जो मैंने बोला कि हमें पिछले टमरन लॉक में जो देखा कि वहां पे स्प्रिंग है, तो ये जो है ये तार दिख रही है, ये वही मतलब वही स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग जैसा ही काम करती है। तो ऐसे हमारे लॉक है। तो हमने देखा कि मैंने आपको दोनों भी दिखा है कि वो लॉक कैसे दिखते हैं। मैं आपको एक फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि वो लॉक कैसा है। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके का लॉक है, आप ये बाहर की तरफ आ गया है, इसके वजह से हमारा जो डोर है वो लॉक हो जाता है, इसमें अटक जाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खुलता। और मैंने आपको चाबी भी दिखाई, ये चाबी है। और जो मैंने आपको बताया था कि ये आगे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, तो ये इस तरीके से हम इस लॉक में फिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से फिक्स हो जाता है। और हम जो चाबी है वो इधर से अंदर डालते हैं, इधर से इस तरीके से वो अंदर चली जाती है। तो ये पार्ट तो मैंने निकाल दिया क्योंकि आपको अंदर का मैकेनिज्म देखना है। तो ये चाबी अंदर चली गई और मैंने मूव किया, तो ये चाबी ऐसे ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जो है, जो हमारे खांचे है, वो ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं और हमारा लॉक खुल जाता है। तो इसी तरीके से हमारी की जो है ये काम करती है। तो ये सिर्फ जैसे कि मैंने बोला कि की पिन होती है, ये की पिन है। और इसके जब मैं ऊपर उठाऊंगी मतलब ये एक लाइन में आ जाएंगे और ये हमारा जो लॉक है ये पीछे चला गया। और जब मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये लॉक ऐसा ही रहेगा। और मैं जब इस फिर से ये की पिन को उठाऊंगी और ये जो हमारा लॉक है इसके पीछे से मतलब यहाँ पे चाबी होगी जो इसको पुश करेंगी आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऐसा अंदर किया तो आप देख सकते हो कि ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बाहर आ गया। तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं कि ये की को समझने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ से की जाएंगी और इसके नीचे वाले खाचों में अटक जाएंगी, तब ये सेम लेवल में आएंगे और ये लॉक खुल जाएगा। तो वैसे ही आगे जो हमने हमारे घर पे जो लॉक है वो आगे है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। वो भी मैंने दिखाया आपको। तो हमने देखा कि इस ताले के अंदर क्या होता है। तो आपको जब आपके यहाँ अलमारी हो तो गुड, आपको ऐसी कुछ वर्कशॉप में वगैरह जाने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा और बाकी सब चीजें उसके बाद आपको उसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। पर आपके पास ठीक है ऐसे स्क्रू वाली अलमारी नहीं है, तब आपको क्या करना है, तो आपको लॉक खुलने के लिए एक वर्कशॉप में जाना होगा, जहाँ पे वर्कशॉप के कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, इसकी वजह से हमें ये लॉक खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो हमारा हैंड ड्रिल होता है उसका इस्तेमाल करके इस लॉक को तोड़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भी ये गलती की कि मैंने पिछले साइड मतलब जो लॉक है उसके पिछले हिस्से से मैंने लॉक तोड़ने की कोशिश की, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहां पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो वो पूरा बंद होता है, जिससे हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो हमें लॉक पिछले पार्ट से नहीं तो आगे वाले पार्ट से, जहां से हम की डालते हैं उसी पार्ट से उसका वो जो प्लेट है वो निकालना होगा। तो वो ऐसा दिखेगा। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा लॉक था पहले और वो अंदर वाली प्लेट निकाल दी गई और वो ऐसा दिखेगा। फिर वो हमें उसका ये जो दिख रहा है वो भी पार्ट निकाल देना है, तो ये हमें अंदर का ऐसा मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन है कि यहाँ से हम की डालेंगे, की डालने के बाद ये कॉम्बिनेशन एक लाइन में आ जाएगा और ये जो खाच है यहाँ पे दिखाई गई है वो खाच पिछले साइड से मतलब पीछे हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा लॉक खुलने जाएगा। और जब लॉक होता है तभी वो लॉक होने के लिए ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या करता है कि यहाँ से जो मैंने बोला कि जो टेंशन होता है, जो फोर्स होता है, वो इस ये जो प्लेट थी छोटी सी उसको आगे की तरफ धकेलता है और जो हमारे लॉक का यहाँ पे जो खाचा है वहां पे अटक जाके हमारा
जो लॉक है वो लॉक हो जाता है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ। और तो ये जो हमारा लॉक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्प्रिंग है, एक अलग प्रकार की स्प्रिंग है। ये सिंपल स्प्रिंग का काम करती है। और इधर ऊपर की तरफ आप खोलने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वहां पे अलग तरीके की स्प्रिंग है, कि जो इस लॉक को यहाँ पे अटकने के लिए, जो हमने मैंने एक पार्ट बोला था कि जो यहाँ पे अटकता है, ये छोटा सा पार्ट है कि जो आगे पीछे मुंह होता है इसकी वजह से, तो ये इसमें अटक जाता है। ये जो हमारा लॉक की कड़ी है इसमें अटक जाता है और हमारा लॉक लॉक हो जाता है। ये इस तरीके का मैकेनिज्म है। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गया और हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमारे ये सेशन तो हो गया है, मैं कुछ असाइनमेंट आपको बता देती हूँ और उसके बाद हमारे जो टीचर है उनके हम वीडियो प्ले करेंगे। तो ये हमारे जो लॉक है, ये आप देख सकते हो कि ये छोटे से लॉक में क्या बड़े बड़े मैकेनिज्म या कितने छोटे छोटे पार्ट से हमने यूज किए हैं। और एक बात और कि हमारे जो लॉक में है हर एक पार्ट के लिए अलग अलग मटेरियल यूज किया है। तो वो क्यों यूज किया है ये भी आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सेशन, मतलब ये सेशन में ही मैंने कुछ आपके क्वेश्चन बता दिए थे कि जो हमारी चाबी है इसमें इतने खांचे क्यों है और उन्हें क्या कहते हैं, ये आप मुझे ये आपको मुझे बताना है। फिर जो ताले के ऊपर 5 लीवर 6 लीवर होता है ये क्या होता है और क्यों होता है, ये भी आपको मुझे बताना है। इसके लिए जो गूगल फॉर्म होगा मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगी और यूट्यूब पे भी उसकी लिंक मैं शेयर करूंगी। उसके बाद आपके आजू बाजू में कौन कौन से अलग अलग ताले हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है और वो भी मुझसे शेयर करनी है। और फिर जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर एक ताले की, मतलब ताले के अंदर के जो पार्ट्स है वो अलग अलग मटेरियल के यूज होते हैं, तो वो मटेरियल कौन से है और ऐसे मटेरियल हमने क्यों यूज किए हैं, तो ये भी आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। और आपको भी घर में, आपके घर में जो लॉक है आपको खोल के देखना है उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है और काम कैसे करता है, तो आप वो भी मुझे उसकी फोटो आप मुझे भेज सकते हो। तो आज का सेशन इस ताले के बारे में था और ताले के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली। तो आज का सेशन मतलब मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और स्वाति मैम को बोलती है कि वो आगे के सेशन की जानकारी दे। धन्यवाद प्रियंका मैम, आपने काफी विस्तृत जानकारी दी तालों के बारे में, तालों के इतिहास के बारे में आपने बताया, तालों के प्रकार के बारे में बताया और किस प्रकार हम डिफरेंट डिफरेंट तालों को किस प्रकार से हम पहले समय में यूज करते थे उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। सो धन्यवाद, आज का सेशन काफी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतने प्रकार के ताले, जैसे कि आपने एक दिखाया जिसमें काफी बड़ी लंबी चाबी थी, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब पहले समय में क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर इस सेशन के थ्रू हमें इतनी लंबी जानकारी मिली, काफी अच्छी जानकारी मिली। सो धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे स्टेट से जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, आदरणीय विवेकानंद सर जी एवं आदरणीय लोकेश्वरी मैम, तो लोकेश्वरी मैम के बारे में बता देती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे टॉयज बना रही है, टीएलएम में भी काफी अच्छा वर्क कर रही है और चॉकलेट पर भी उनके टॉयज सेलेक्ट हुए हैं और आज ही उनका हमारे नायक पर चयन हुआ है। तो उनको बधाइयां देते हुए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे और उसके बाद प्रियंका मैम आप उनका वीडियो प्ले कर दीजिएगा। लोकेश्वरी मैम जी। मैम नमस्ते, सबसे पहले तो आपको बधाई और दूसरी बात की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों की ही प्रेरणा है जो मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ और आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह बना रखेगा। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, साथी प्राथमिक शाला सिंगारपुर मेरा कार्य क्षेत्र है और मुझे बच्चों के साथ नए नए तरीके से काम करना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं देखती हूँ अगर बच्चे इस तरीके से नहीं सीख रहे हैं तो और किस तरीके से उनको किसी भी मेथड को सरल तरीके से कैसे बताया जा सके, कैसे खेल खेल में उनको पढ़ाई से जोड़ा रखे जा सके। ये अभी चूंकि लॉकडाउन में ही मैंने सारे टीएलएम बनाए हैं और ये जो टाइम है वो लॉकडाउन में ही बनाए हैं, तो अभी मैं इसको अपने स्कूल में इंप्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे घर के आसपास जो बच्चे हैं उनसे मैंने इसको करके देखा है। बच्चे बहुत खुशी खुशी बहुत देर तक इसमें खेलते हैं बिना बोर हुए और इससे सीखते भी हैं और बहुत इंजॉय करते हैं।
जी धन्यवाद जी, थैंक यू मैम। प्रियंका मैम प्लीज लक्ष्मी मैम का जो बनाया हुआ ट्वेज है वो वीडियो प्ले कीजिए। हाँ जय हिंद दोस्तों, आज हम बच्चों के लिए बनाने वाले हैं उनके मस्तिष्क के विकास के लिए, जिसे हम कहते हैं पजल। आज हम बच्चों के लिए पजल का एक खिलौना बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ऐसे एक पुट्ठा। देखिए हमने इस पुट्ठे को ऐसे चौकोन काट लिया है और इसके ऊपर हम कोई एक चित्र लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास ये पुरानी किताब से ये एक चित्र हमने काट लिया है, तो हम इसको इसमें चिपकाएंगे इसके बीचों बीच। ठीक है, इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है और चिपकाने के बाद इस पूरे चित्र को ऐसे चौकों से हमने काट के नहीं अलग कर लिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने इस चित्र के पीछे में कुछ ऐसे डिजाइन बना दिए हैं। अब हम इन डिजाइनों में से इसको कट करेंगे। देखिए दोस्तों हमने उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और हमने इसको फ्रेम को सादे कागज से कवर कर लिया। आप चाहे तो सजा भी सकते हैं। तो बच्चे इसको अभी इन टुकड़ों को जमा जमा कर उस चित्र को पूरा करेंगे। बच्चे इसको इस प्रकार से जमाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि देखिए बच्चे कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे। बच्चे कुछ इस प्रकार से इसको इस पजल को सुलझाएंगे। आप देख सकते हो ये कितना इंटरेस्टिंग है, बच्चों को इसको करने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों आप चाहो तो इस फ्रेम के लिए कोई भी सीन या फिर कोई भी डिजाइन ले सकते हो, कोई भी पिक्चर ले सकते हो और उसको कट करके इसी प्रकार से बहुत सारे गेम बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमारा पजल बिल्कुल सज धज कर तैयार हो गया है। इसको हमने इसकी फ्रेम को हमने छोटे छोटे रंगीन कागज की कतरनों से सजाया है। ऊपर में इसका नाम लिखा है पजल और बच्चे इसको इस तरह से सुलझाएंगे। ये बच्चों के दिमागी कसरत के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए और देखिए वो कितनी बेहतर तरीके से इसको मज़े मज़े से खेलते हैं और इससे सीखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू लोकेश्वरी मैम, आपने काफी अच्छा ट्रायस बनाया है कि किस प्रकार हम अपने विद्यार्थियों का खेल खेल के माध्यम से उनके तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा ट्रायस बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही अब मैं विवेकानंद सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हालांकि कहा जाए तो इन्हें परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदैव हम शिक्षक साथियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं और अपने कार्यों से हमें प्रभावित करते रहे हैं और हम इनके कार्यों से सदैव सीखते रहे हैं। और मैं ये कहूँ तो मुझे तो काफी मार्गदर्शन मिला है आदरणीय विवेकानंद सर जी से। तो आप सादर आमंत्रित हैं सर, अपना भी परिचय दीजिए और
आइए सर, आपका स्वागत है। सर सर आप म्यूट कर लिए हैं, अनम्यूट क्यों कीजिए सर। अच्छा हाँ 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 अब आ रही आवाज। आइए सर। जी 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 मैं विवेकानंद दिल्ली वार हेलो। ठीक है मैडम जी, मैं जो अभी खिलौना इलेक्ट्रॉनिक के बारे खिलौना तो बनाता ही हूँ, और कुछ कुछ अभी बहुत सारे जो कठिन लगा हमारे साथियों को, तो ऐसा भी खिलौना बनाया जो आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कृपया दिखाता हूँ। हाँ मैम मैं शेयर करती हूँ। जी शेयर कीजिए मैम। ये देखिए खराब बल्ब है, उसको आप ऐसे पटकिए, ये निकल गया। अब इससे मैं गुड़िया बना कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कपड़ा लीजिए, ये काटन इस तरह से, और बिंदी, ये बिंदी है, तो इसको आप ये ऐसे खड़े करना है गुड़िया, तो इसको ऊपर ऐसे कर दीजिए इस पे। उसके बाद ये कपड़ा ऐसे रख के इसको बांध लीजिए, यहाँ पर इसको बांधना है। हाँ अब ये कपड़ा बांध दिए, ये जो बिंदी है एक आधा बिंदी, दो ठो आँख के लिए बड़ा बिंदी, ये मैं लगा देता हूँ इस तरह से। और एक मिनट, ये देखिए आपका गुड़िया तैयार। ये ऐसी सजा दीजिए बच्चों के लिए, बहुत सारे गुड़िया। हेलो, तो आपने देखा कि किस प्रकार घर में ही ये जो सामान रहते हैं हमारे घर पे अवेलेबल रहते हैं, जैसे हम फ्यूज बल्ब की बात करें तो घर में अवेलेबल रहता है, बट हम उसे थ्रो कर देते हैं। तो अब थ्रो करने की बजाय उसे सेव करके रखिए, क्योंकि आप इसके माध्यम से अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे खिलौने बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे बच्चे का बर्थडे था और उसे गिफ्ट चाहिए था, तो क्या दें? तो विवेकानंद सर जी के द्वारा बताए हुए टॉयस को मैंने भी बनाया है, ये देखिए और मेरा बेटा काफी खुश हो गया। तो इस प्रकार से हम कितने सरल, कितने आसान, घर पे ही जो चीजें मौजूद है, सामान मौजूद है, उससे हम कितने अच्छे टॉयज बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के लिए ये सारी चीजों का सीखना बहुत जरूरी है, अपने खुद के बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। तो सर ने काफी सरल और आसान तरीके से बताया, थैंक यू सर। और आज की सेशन को खत्म करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रियंका मैम हमारे साथ जो जुड़ी रही, साथ ही रागनी मैम का और लोकेश्वरी मैम और विवेकानंद सर जी जो आज इस सेशन पे हमारे साथ लाइव बने रहे, साथ ही यूट्यूब के माध्यम से हमारे जितने भी शिक्षक साथियों ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस कोरोना संकटकालीन विषम परिस्थितियों में भी आप वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं और इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। और मैं ट्राई पेडागोजी ग्रुप की अगर बात करूं तो सुबह से लेकर रात तक उस पे हमारे शिक्षकों के और विद्यार्थियों के टॉयस आते रहते हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए हैं स्वयं के। तो आप जैसे कि प्रियंका मैम ने हमें इस पे बहुत सारे असाइनमेंट दिए हैं, तो आप बहुत सारे नहीं एक ही असाइनमेंट दिए हैं, पर हमें इस पे वर्क करना है। तो हम सभी को इस पे वर्क करना है, क्योंकि दिए गए कार्य पे हम जब वर्क करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने उस ज्ञान को कितना अर्जित किया है। तो आज हमारे जितने भी विद्यार्थी और हमारे जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज इस असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा और गूगल फॉर्म के थ्रू से सबमिट कीजिएगा। सो धन्यवाद। मैं स्वाति पांडे आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे इसी समय पर हम फिर मिलेंगे। तो पुनः धन्यवाद आदरणीय प्रियंका मैम, आदरणीय लोकेश्वरी मैम, आदरणीय विवेकानंद सर जी और एवं जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।